गाइस, आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली स्टार्टिंग सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता असाइनमेंट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें जाना है लेआउट टैब के अंदर। यहाँ हम पेज की एडजस्टमेंट करेंगे। लेआउट टैब में हम जाएंगे साइज पे। साइज के ब्रॉडन पे क्लिक करते ही मेक श्योर यहाँ पे पेज साइज आप A4 सेलेक्ट करें। मोस्टली असाइनमेंट्स के लिए A4 ही पेज साइज सेलेक्ट किया जाता है। अब सेकंड पे हमने इसमें मार्जिन चेंज करना है। लेआउट टैब के अंदर ही हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाएं। लेआउट टैब में लेफ्ट साइड पे पॉइंट होता है मार्जिन का, इसके ड्रॉबन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टॉप पे ही सेकंड में हमारे पास है नॉर्मल, इसमें टॉप लेफ्ट बॉटम राइट का मार्जिन 2.54 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिंपली आप नॉर्मल मार्जिन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद थर्ड पे ओरिएंटेशन हमने पोर्ट्रेट रखनी है, ठीक है। मेक श्योर आप यहाँ ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखें। अब इतने स्टेप्स करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट लिखनी है। जो भी आपका रहता है, आपके असाइनमेंट का जो भी टॉपिक है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी हमारी असाइनमेंट आ गई। अब इस पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारी होती है मेन हेडिंग। अब मेक श्योर मेन हेडिंग जो है ना, ठीक है, जैसे टॉप पे होती है मेन हेडिंग, इसका फॉन्ट साइज आप रखेंगे 14, इसका बोल्ड करेंगे और जो इसमें फॉन्ट है वो आप टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे। तो इसको सेलेक्ट किया मेन हेडिंग को। हम जाएंगे होम टैब में, इसी में सिंपली बोर्ड पे क्लिक करेंगे, बोर्ड में हो जाएगा फॉन्ट। यहाँ से ड्रॉपडाउन पे क्लिक करके टाइम्स न्यू रोमन हम इसे फॉन्ट दे देंगे और साथ ही है फॉन्ट साइज, ये हम इसे दे देंगे 14। तो ये आप देख सकते हैं हमने मेन हेडिंग को फॉर्मेटिंग दे दिया। अब इसके अलावा नीचे जो मेन हेडिंग्स होती हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अलावा हाउ टू सॉल्व, इसके अलावा फीचर्स हैं, ठीक है। लास्ट पे जाए एप्लीकेशंस वगैरह, ये मेन हेडिंग्स नहीं बल्कि सब हेडिंग्स होती है। इनको भी सेम हम बोल्ड भी करेंगे, इनका फॉन्ट भी हम टाइम्स न्यू रोमन में करेंगे, लेकिन मेक श्योर फॉन्ट साइज इसका आप 12 भी रखें, ठीक है। मेन जो हेडिंग होती है उसका फॉन्ट 14 होता है, लेकिन जो बाकी सब हेडिंग्स सारी टोटल बॉडी वगैरह उसका फॉन्ट होता है 12। अब यहाँ पे इतना करने के बाद नेक्स्ट हम जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस पूरे को हमने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट देना है। तो होम टैब में यहाँ ड्रॉपडाउन पे क्लिक करके टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे तो पूरी असाइनमेंट आपकी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अलावा फॉन्ट साइज हमने इसे देना है। अब फॉन्ट साइज सिंपली इसी में फॉन्ट साइज पे क्लिक करके यहाँ आप इसका फॉन्ट साइज रखेंगे 12। आपके पूरी डॉक्यूमेंट पूरी असाइनमेंट का फॉन्ट साइज यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो मेन हेडिंग ऊपर थी आपकी, उसका भी 12 हो गया। तो सिंपली आप उसे सेलेक्ट कर लें। सिंपली जो ऊपर मेन हेडिंग को सेलेक्ट करके आप इसको 14 फॉन्ट साइज, ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं। सिंपली 14 पे क्लिक करें, ये इसका 14 हो गया। तो इसका बेसिकली हम इसे फॉन्ट साइज और फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं असाइनमेंट का। नेक्स्ट होता है जो मेन बाकी नीचे सब हेडिंग्स हैं, उनको आप सिंपली बोल्ड कर दें। अब इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं वो है अलाइनमेंट का। पैराग्राफ मोस्टली जो भी होते हैं डेफिनेशंस वगैरह, उनमें ये अलाइनमेंट देखिए लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट साइड से आप भी पीछे है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो आप जो भी पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करें, होम टैब में जाएंगे, इसी में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही हमारे पास अभी जो बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट लगी हुई है वो है लेफ्ट अलाइन, ठीक है। इसमें फोर्थ पे पॉइंट है जस्टिफाई। तो सिंपली जस्टिफाई अलाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये टोटली लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह इस पॉइंट को मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अलाइनमेंट का। इसके अलावा फर्दर मूव करें। अगर आपकी असाइनमेंट में स्टेप्स है तो स्टेप्स नॉर्मली सिंपली आपने इस तरह से नहीं लिखने, ठीक है। सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ तो आप इसको बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग्स वगैरह इन्हें मस्त दे, ठीक है। अब यहाँ स्टेप्स थोड़े डिटेल फॉर्म में होते हैं, तो इसके लिए भी होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही यहाँ बुलेट पॉइंट्स भी हमें मिल जाते हैं और नंबरिंग भी मिल जाती है। अब यहाँ पे नंबरिंग हम यूज करेंगे, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं इनमें थोड़ी डिटेल बताई गई है, तो डिटेल के लिए मोस्टली आप प्रेफर करें नंबरिंग को ही, ठीक है। यहाँ सिंपली हम इसमें से कोई सी भी नंबरिंग दे देंगे, जैसे 1 2 3 ये हमने इसे नंबरिंग दे दी। अब हर पॉइंट, ठीक है, एलाबोरेट हो रहा है कि दूसरे से ये डिफरेंट है। अब सिंपली किसी एक भी डिजिट को आप सेलेक्ट करें, जैसे 1 को सेलेक्ट कर लिया एंड देन बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये चारों पांचों जो भी नंबरिंग आपकी होगी एक ही बार में सारे बोर्ड हो जाएंगे। अब इसके अलावा स्टेप्स की तो बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स। अगर आपके पास कुछ ऐसे असाइनमेंट्स में पॉइंट्स हैं जिनमें 1-2 वर्ड आपको लिखने होते हैं, जस्ट लाइक दिस, स्टेप्स में तो थोड़ी डिटेल बताई जाती है, लेकिन फीचर्स के अंदर अगर आपने 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें 2-3 वर्ड्स हमारे हैं, कोई डिटेल नहीं है, तो यहाँ आप नंबरिंग यूज ना करें, बल्कि यहाँ पे आप यूज करेंगे बुलेट पॉइंट्स। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही फर्स्ट पे है बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन। यहाँ डिफरेंट हमें बुलेट पॉइंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट इसमें जो मोस्ट प्रेफरेबली यूज किया जाता है वो है राउंडेड फॉर्म में डार्क जो बुलेट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये हमने इसको बुलेट पॉइंट भी दे दिया। अब इसके अलावा नीचे फर्दर मूव करें। अब फर्दर हमारे पास अगर आपकी डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशंस हैं तो उनको भी आप अपने मर्जी से या बुलेट पॉइंट्स दे दें या नंबरिंग दे दें या सिंपली आप कोई सा भी इसमें अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ पे बॉक्स हमने इसे दे दिया, ठीक है। एप्लीकेशंस को आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायग्राम्स या वीडियो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लास्ट पे अपने डॉक्यूमेंट की देख सकते हैं। अब यहाँ मेक श्योर फॉर्मेटिंग आप जस्टिफाई अलाइनमेंट की अलाइन करें, ठीक है, अलाइनमेंट जस्टिफाई अलाइनमेंट की दे। अब इतना करने के बाद ये हमारी असाइनमेंट एक कंप्लीट रेडी है। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हम फर्दर करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं बॉर्डर ऐड करना, ठीक है। बॉर्डर्स ऐड करने के लिए सिंपली हम जाएंगे होम टैब के अंदर। इसी में होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लास्ट पे पॉइंट है बॉर्डर्स का, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे लिखा हुआ है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इस पे क्लिक कर देंगे। अब एक विंडो हमारे पास आ जाएगी, इसमें मिड में लिखा हुआ है पेज बॉर्डर, इस पे क्लिक किया। सेटिंग्स में नीचे लेफ्ट साइड पे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और स्टार्स में मेक श्योर आप फर्स्ट पे जो स्ट्रेट लाइन है वो ही सिलेक्ट करें, ठीक है। असाइनमेंट्स में ज्यादा प्रिफरेबल्स फर्स्ट वाली लाइन ही है जो स्ट्रेट है बिल्कुल। इसके अलावा विड्थ आप यहाँ से अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैंने यहाँ दे दिया है 1:1/2। अब इतना करने के बाद अप्लाई टू में यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। अभी हम होल डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करने देंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट हमारी पूरी असाइनमेंट को बॉर्डर असाइन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो है टाइटल पेज ऐड करना, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए असाइनमेंट का बिल्कुल जो टॉप आपने मेन हेडिंग रखी थी उससे पहले आप अपना कर्सर रखेंगे, उससे पहले कर्सर रखा। इसके अलावा जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, इसी में हमारे पास पॉइंट होता है ब्लैंक पेज का। अब बेसिकली कर्सर हमने कहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि ऊपर हम इससे ऊपर चाहते हैं ब्लैंक पेज ऐड हो, ठीक है। तो सिंपली ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर टॉप पे हमारे पास ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल मिड में हमें शो हो रहा है, तो बिल्कुल जो मार्जिन हमने दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर देखिए मार्जिन हमें यहाँ भी शो भी हो रहा है। बिल्कुल स्टार्ट में जाके आप डबल टैप करेंगे तो आपका जो कर्सर है स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लें ग्रुप असाइनमेंट आपकी वो लिख लें, इंडिविजुअल असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 है, कुछ भी जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पे आप लिखें। इसको बोर्ड में करें, इटैलिक में करें, इसको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट दें और फॉन्ट साइज 14 देंगे हम, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली इसे सेलेक्ट किया एंड देन पैराग्राफ के अंदर ही पॉइंट है अलाइन सेंटर का, ठीक है। यहाँ पे सेंटर अलाइन पे क्लिक करते ही ये पूरे पेज के सेंटर में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अपने कीबोर्ड से आप एंटर की 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्पेस यहाँ पे आ जाएगी। अब कर्सर को दोबारा से आप स्टार्टिंग में लेके जाएंगे, ठीक है, तो डबल टैप करेंगे तो स्टार्टिंग में कर्सर आ गया। अब यहाँ आप अपना नेम वगैरह, टॉपिक, असाइनमेंट का डेट, डिपार्टमेंट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, वो सारे कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं टाइम बचाने के यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मैंने कॉपी किया था, मैंने इसे यहाँ भी पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली है कि असाइनमेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। सबमिटेड बाय में हमने अपना नेम और रोल नंबर लिखेंगे, सबमिटेड टू में मैम का नेम, इस तरह से ये सारा कुछ। अब इस सारे को जो भी हमने पेस्ट किया इस सारे को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये सारा सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ही अगेन अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कंटेंट हमारा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ये बेसिकली हम टाइटल पेज बना रहे हैं तो इसलिए हमें सब कुछ सेंटर में अलाइन करना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे बेसिकली जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे हमने असाइनमेंट टॉपिक है इसको बोर्ड में कर देंगे और बाकी इसके नीचे हमारे असाइनमेंट का टॉपिक का नेम आ जाएगा, ठीक है। टॉप वाली को हमने इटैलिक में किया लेकिन बाकी सारी को इटैलिक में नहीं, सिंपली आप 14 फॉन्ट रखेंगे, फॉन्ट साइज 14 बोल्ड में कर देंगे और टाइम्स न्यू रोमन में। अब सिंपली यहाँ आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे। इसके अलावा सबमिटेड बाय को भी आप अगेन बोल्ड में कर देंगे, ठीक है। ये सारे चेंजेस आपने खुद करनी है, ठीक है। मेन ऊपर जो होता है ना पॉइंट उसको बोल्ड में करना है, नीचे वालों को सिंपल रहने देना है। इसके अलावा नीचे तो हम जाए सबमिटेड टू, इसे बोल्ड किया, आपने टीचर का यहाँ नेम लिखा, डेट को बोल्ड में किया, डेट चेंज कर ले, डिपार्टमेंट अब यहाँ पर लिखेंगे नेम, फिर यूनिवर्सिटी का नेम। अब यूनिवर्सिटी का नेम मेक श्योर आप बोर्ड में कर दें। अब इतना सब कुछ करने के बाद टाइटल पेज रेडी है, बट इसमें एक पॉइंट हमारे पास मिसिंग है, वो है यूनिवर्सिटी का लोगो। अब लोगो बेसिकली मोस्टली असाइनमेंट में मस्ट आपने लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली कर्सर नीचे रखा, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इसी में पॉइंट है पिक्चर्स का, इसके डॉल्बन पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक किया। अब आपके पीसी में जो भी पिक्चर है लोगो है यूनिवर्सिटी का, वो सेलेक्ट कर ले, या फिर ऑनलाइन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब ये हमारे पास ठीक है लोगो आ गया। अब इसको हमने मूवेबल बनाना है, ठीक है, ये भी मूवेबल नहीं है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करिए, ले पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, इसी में है रैप टेक्स्ट, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करेंगे, इसमें पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब जैसे ही इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये लोगो ठीक है मूवेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें नीचे या ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारा ये लोगो टेक्स्ट के ऊपर हमेशा हो रहा है, इसमें ये मूवेबल हो गया। अब अपनी मर्जी से ड्रैग करके इसे हम जहाँ भी रखना चाहेंगे ईजीली रख पाएंगे। टाइटल पेज के बिल्कुल लास्ट पे हम इसे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट पे टाइटल पेज के मिड में हमने इसे एडजस्ट कर लेना है। इसके अलावा जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, सिंपली आप इसके कॉर्नर्स से इसका साइज वगैरह भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेंगे। साइज का बड़ा करना है या कम करना है वो भी आप इसके कॉर्नर्स वगैरह से ईजिली ड्रैग करके ईजिली कर सकते हैं। सो नाउ हमारे ये टाइटल पेज भी रेडी हो गया और बाकी असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब इतना कुछ करने के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि मोस्टली ये टाइटल पेज होता है, ठीक है, इस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया जाता, पेज बॉर्डर टाइटल पेज पे नहीं होता, बाकी डॉक्यूमेंट बाकी पूरी असाइनमेंट पे होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली जाएंगे होम टैब के अंदर, इसी में पैराग्राफ बुक में लास्ट पे है बॉर्डर्स लिखा हुआ, इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक किया, लास्ट पे है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ विंडो है, इसमें सेकंड पे है पेज बॉर्डर, इस पे क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट करना किया रहने देंगे लेफ्ट साइड से, स्टाइल्स भी सेम वही जो पहले दिया था, विड्थ वगैरह भी सेम, चेंज हमने करना है यहाँ अप्लाई टू के अंदर। अप्लाई टू के अंदर लास्ट पे पॉइंट है दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पेज पे अलावा बाकी पूरी असाइनमेंट पे आपका बॉर्डर अप्लाई होगा, ठीक है। दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज क्लिक किया, ओके पे क्लिक करते ही आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ टाइटल पेज पे बॉर्डर रिमूव हो गया, लेकिन बाकी असाइनमेंट पे आपका बॉर्डर ठीक है उसी तरह आए। तो इस तरह बेसिकली आप प्रोफेशनल वे में यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। इसके अलावा फर्दर आप पेज नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा सिंपली आप अपनी असाइनमेंट को सेव कर लें डेस्कटॉप पे, यानी यहाँ भी सेव करना है, यहाँ भी फाइल नेम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप नेम रखना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट होता है सेव एज टाइप का, यहाँ पे सेव एज टाइप के अंदर क्लिक करेंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में आप इसे सेव कर पाएंगे असाइनमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी आप इसे सेव कर पाएंगे। देन सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल हमारी असाइनमेंट सेव हो जाएगी। थैंक यू।